नमस्कार, मैं अनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस फूड रेसिपीज़ में। तो आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल सरगी वाली मीठी मछली। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा, 2 चम्मच घी। घी को अच्छे से मैदा में मिला लेंगे। अब हम हाथ से मुट्ठी बंद करके आटे को चेक करेंगे। अगर मुट्ठी बंद रही है तो इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका डो बना लेंगे। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें घी लगाएंगे और इसको फिर से अच्छे तरह से गूंथ लेंगे। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद एक बार फिर से हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हमें हाथों की मदद से इसका एक रोल बना लेना है। अब इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। अब हम मछलियों को बेल लेंगे। इसे हम चाकू की मदद से काट लेंगे। इस तरह से मछली बनाने से लच्छेदार मछली बनती है। अब इसे एक कोने से पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसे दोबारा से बेल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी मछलियाँ बेल कर तैयार कर लेनी है। कांटे की मदद से मछली के दोनों तरफ छेद कर लेने हैं ताकि मछली फूले ना। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना मछलियाँ अंदर से नहीं पकेंगी। मछलियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सुनहरी दिखने लगे। चलिए अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। हमें चीनी घुलने तक चाशनी पकानी है। हमें इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमारी चाशनी भी बनके तैयार है। अब हम इन्हें हल्की गर्म चाशनी में मछलियों को डाल देंगे। मछलियों को सिर्फ 2 मिनट के लिए डुबो के रखना है, उसके बाद निकाल देना है। इस करवा चौथ के स्पेशल ओकेजन पे आप सब भी अपने घर में ये सरगी वाली मीठी मछली ज़रूर ट्राई करें। मछलियों को पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।